गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने विंडोज़ में एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और उसके बाद से प्रोजेक्ट को कैसे रन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने से पहले जावा या जेडके के आपको डाउनलोड, इंस्टॉल और उसका जो पाथ है यहाँ से आपको सेट कर लेना है। तो जावा को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और उसका पाथ को कैसे सेट करना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख करके पहले जावा को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद से उसके पाथ को सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। आपका पाथ सेट हुआ है कि नहीं आपको यहाँ से चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको CMD ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे जावा। यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं जावा, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे ही सेकेंड आएगा यहाँ पे जावा सी टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यानी कि आपका जो जावा का पाथ है परफेक्टली सेट हो चुका है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अगर जावा का पाथ सेट नहीं है तो पहले आप सेट कर लीजिए उसको। तो यहाँ से हमारा जावा का जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। उसके बाद से आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेना है। ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे एंड इंटर करेंगे। यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है डेवलपर का यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि developer.android.com है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ टाइम के बाद भी डाउनलोड करते हैं तो भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही प्रोवाइड होगा, प्रीवियस वर्जन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कीजिए। अब इसमें हम आपको बताएंगे कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। और जितना भी प्रोजेक्ट अब हम रन करके आपको दिखाएंगे वो सारा जो प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ से जो कि लेटेस्ट वर्जन का ही हम यूज़ करके बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका कोई और प्लेटफॉर्म है लाइक विंडोज़, मैक एंड लिनक्स, जो भी अदर यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो है विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए हम यहां पे डाउनलोड करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके लैपटॉप की। तो यहां से आपका 8GB रैम एटलीस्ट होना चाहिए। उससे कम अगर रहेगा तो आपका जो है वहां पे वर्क नहीं कर पाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिससे कि लैपटॉप जो है हैंग कर जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना है तो आप 8GB का जो रैम है 8GB के रैम के साथ ही लैपटॉप यहाँ पर ले लीजिए। इसके बाद से यहाँ पे जस्ट डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 912 MB की फाइल है। और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो इसका लोकेशन है, लोकेशन आप यहाँ पे दूसरे जगह रख लीजिए। आपको सी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप पे नहीं रखना है, जिससे अगर आप रखते हैं तो आपका सी ड्राइव वो सारी फाइल जो रहती है सी ड्राइव के अंदर आता है, जिससे कि आपका जो लैपटॉप होता है काफ़ी स्लो हो जाता है। इस वजह से कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको आप एक न्यू ड्राइव के अंदर रख लीजिए। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं अपने डी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नेम का एक फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, उसी के अंदर हम रख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको। तो यहाँ से हम इसको अगर आप यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर को। तो यहां से हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपने जहां पे भी डाउनलोड करके रखा हुआ है उस फाइल को, फोल्डर को, तो उसको आपको ओपन कर लेना। अगर आपने नॉर्मली डाउनलोड किया है तो आपका डाउनलोड फोल्डर में हो सकता है। तो मैंने अपने सारे फाइल्स को जितना भी फोल्डर होता है और जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो हम अपने डी ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नेम का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, सब कुछ हम यहाँ पर रख लेते हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जिससे कि आपका बहुत ईजी रहता है कोई भी सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करने में। तो यह रहा हमारा जो कि लेटेस्ट वर्जन है, जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन का। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है एंड एस पे क्लिक कर देंगे। एस का परमिशन यहाँ से हम दे देते हैं। यहाँ से ब्लैंक्स हो रहा है, मैंने उसको इनेबल नहीं किया इस वजह से अभी ब्लैंक्स हो रहा है। तो जैसे एस पे क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप का ओपन हो जाता है, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। और सारा जो सेटअप है यहाँ पर हम आपको करके बताएंगे कि इसके सेटअप को कैसे करते हैं और इसके बाद से कैसे यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड, मैंने बता दिया, यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और उसके बाद से इसमें इमुलेटर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको रन कराना है प्रोजेक्ट को, वो सारा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको करके बताएंगे।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल करना है। अब बाकी जो भी पार्ट है यानी कि प्रोजेक्ट कैसे रन कराना है और कैसे उसमें इमुलेटर को रन कराना है वो सब हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो कि आप देख सकते हैं स्पेस रिक्वायर्ड है 2.5 GB, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2.5 GB तक ले सकता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो भी इसका लोकेशन है, जो आप यहाँ से कंपोनेंट डाउनलोड होगा वो सारे कंपोनेंट आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ब्राउज करके इसका लोकेशन सेट कर लेना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको सी ड्राइव के अंदर नहीं रखना है। यहाँ पे हम अपने डी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे अपनी फाइल्स को रख लेंगे। आपको कोई फाइल सी ड्राइव में नहीं रखना है, तो हम यहाँ से अपने सी ड्राइव में नहीं रखेंगे अब कोई भी चीज़, यहाँ से हम अपने डी ड्राइव के अंदर रख लेते हैं। आप किसी भी ड्राइव के अंदर रखिए, बस सी ड्राइव के अंदर मत रखिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट जाएंगे दिस पीसी के अंदर, यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर ओपन करेंगे। यहाँ से एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे न्यू फोल्डर और फोल्डर का नेम हम दे देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, दे दिया। जस्ट इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसके पाथ को, तो मैंने अभी बनाया था डी ड्राइव के अंदर, तो इसको हम कट कर देते हैं, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जो अभी मैंने फोल्डर बनाया उसका पाथ यहाँ से हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस टाइप का यहाँ पे पाथ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फिलहाल हम यहाँ से कर देते हैं एंड्रॉयड, बस क्लिक लेते हैं एंड्रॉयड, मैंने कर दिया। और इसके अंदर एक और हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, वो हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो का, और राइट क्लिक करेंगे न्यू एंड न्यू फोल्डर। ओके, इसका नेम लिख देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि हम इस एंड्रॉयड जो फोल्डर हमने बनाया है इसी के अंदर हम SDK को भी रखेंगे, तो इस वजह से मैंने इसी के अंदर एक और फोल्डर बना दिया। एक और फोल्डर हम बनाएंगे SDK का, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किया और जो फोल्डर अभी मैंने बनाया एंड्रॉयड स्टूडियो का, उसका जो पाथ है सिंपल यहाँ से ले लेना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशन है कुछ इस टाइप का सेट हो गया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी सारे कंपोनेंट है, वो सारे कंपोनेंट जो अभी हमने जो फोल्डर बनाया है उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे अभी खाली देख सकते हैं, जो यहाँ पे पीछे साइड में सारा ब्लैंक है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सारा कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारा फोल्डर यहाँ पे इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते तो सारा जो फोल्डर है यहाँ पे आपका सी ड्राइव के अंदर हो जाता, तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस ले लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसको टाइम लग जाता है, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होके आ जाता है, जो कि इस तरह से हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक सब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सेकेंड का वेट कर लेते हैं जब तक कि हो रहा है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन है 2020.3.1। और इसके बाद से यहाँ पे मिसिंग SDK आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का भी इंटरफेस ओपन हो रहा है अभी, यानी कि अभी हमारा जो SDK है वो यहाँ से अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से हम अपने SDK को भी इंस्टॉल करेंगे, इसको अभी कट करेंगे। SDK जो कि बहुत ज़्यादा GB लेता है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पहले आपको पूछेगा कि आप SDK को किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको SDK का लोकेशन दे देना है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक वैसे ही। तो फिर से हम SDK का भी हमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जहाँ पे भी SDK को हम रखना चाहते हैं। ओके, तो हम उसी को फिर से ओपन करेंगे जो कि मैंने एंड्रॉयड का फोल्डर बनाया हुआ था, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोल्डर पर जाएंगे, यहाँ पर जस्ट लिख देंगे SDK। सारा SDK का कंपोनेंट है हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, जस्ट ओपन कर लेंगे उसको। अब इसका लोकेशन यहाँ से हम सेट कर लेंगे, क्लिक ऑन ब्राउज और ये रहा हमारा SDK, और डी ड्राइव के अंदर मैंने बनाया हुआ है। डी ड्राइव को ओपन कर लेंगे, इसके अंदर मैंने बनाया है एंड्रॉयड का फोल्डर और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर मैंने बनाया है SDK का फोल्डर। इसको हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ऑन ओके। अब देख सकते हैं लोकेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सारा कॉम्पोनेंट है SDK का, वो सारा कॉम्पोनेंट यहाँ पे हमारा इस लोकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा GB लग जाता है, GB में भी चला जाता है। तो आपके पास नेट भी अच्छी होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा भी नेट होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह से आपको सारा कंपोनेंट है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे सो मोर पे क्लिक करेंगे तो सारा स्टेप दिखाएगा कि किस तरह से डाउनलोड हो रहा है, कितना डाउनलोड हो गया, तो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है। यहाँ पे डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, अप्रॉक्सीमेट मेरा 10 मिनट लग गया है। हो सकता है आपका 1 आवर भी लग सकता है, ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को जब यहाँ से ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पे डाउनलोड, इंस्टॉल और यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से शो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसमें प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। थैंक यू।